हेलो फ्रेंड, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट दही वड़ा, जहां पर ना आपको दाल भिगोना पड़ेगा, ना उसे फ्राई करना पड़ेगा और ना ही किसी झंझट के इसे बनाना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी से फटाफट से बन जाता है, क्योंकि हम इसे बनाने वाले हैं ब्रेड से। इसे पूरी तरह से हेल्दी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, पार्शियली हेल्दी तो है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ले लेना है क्यूकम्बर। तो यहाँ पर क्यूकम्बर मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के क्यूकम्बर लिए हैं और उसके बाद इन्हें आपको छील लेना है सबसे पहले, फिर धो लेना है और उसके बाद फिर हम इसे ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल और उसमें अब मैं खीरे को यानी क्यूकम्बर को यहाँ पर मैं ग्रेट कर देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, खीरे में काफ़ी सारा वाटर कंटेंट होता है, तो उसी वाटर कंटेंट की हमें ज़रूरत है, इसी हेल्दी पानी की ज़रूरत है जिससे हम ब्रेड दही वड़ा बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर, यहाँ पर तो हमारा क्यूकम्बर ग्रेट हो चुका है। अब लेना है आपको यहाँ पर ब्रेड। ब्रेड आपको या तो आपको मिल्क ब्रेड लेना है या फिर किसी भी सैंडविच ब्रेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि उसका स्वाद इतना ज़्यादा टेस्टी बन करके नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको मिल्क ब्रेड लेना है और उसके साइड्स आपको इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे आपको अलग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं चारों ब्रेड के साइड्स, जो ब्राउन पार्ट्स है, उसे पहले निकाल ले रही हूँ और उसके बाद हम इन ब्रेड स्लाइसेस को यूज़ करेंगे। अब आपको एक ब्रेड स्लाइस लेना है और उस क्यूकम्बर में इस तरह से डालना है ताकि आपके जो ब्रेड में उसका पानी अच्छी तरह से सोख हो जाए। उसके बाद हम बीच में थोड़ा और खीरे को, इस तरह से ग्रेटेड खीरे को डालेंगे और उसके बाद हम एक और ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसे भी इसके ऊपर रखते हुए, इसे टर्न करते हुए, इसको भी उस पानी से सोक कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ब्रेड है वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद शेप देने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैं दोनों हथेलियों के बीच आपको रख कर इसे स्टफ्ड किया हुआ, इसमें बीच में क्यूकम्बर है, ग्रेटेड क्यूकम्बर है, और उसके बाद इसको आपको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए एक बॉल का शेप देना है, जैसे कि आप दही वड़ा में देखते हैं, तो उस तरह का शेप देना है इसको। और उसके बाद इसे आपको प्लेट में रख देना है जिसमें आप सर्व करने वाले हैं दही वड़ा। तो फटाफट से ऐसे ही सारे स्लाइसेस को आप करते जाइए और अपना दही वड़ा का प्लेट रेडी कर लीजिए। और अब दही वड़ा को सर्व करने से पहले इसके ऊपर हम डालेंगे चटनीज एंड सीजनिंग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फैटी हुई दही लेना है जिसमें हल्का शुगर और हल्का सॉल्ट है। इसको अच्छी तरह से आपको पहले फेट लेना है और उसके बाद अपने दही वड़ा में डालना है। तो यहाँ पर वड़े में इस तरह से डाल दीजिए अपने दही वड़े में, और उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो इमली और खजूर की चटनी भी मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप पहले से बना करके रख सकते हैं और जब आप इस तरह का चाट या वड़ा बनाएं तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसके ऊपर अब डालनी है हरी चटनी। तो हरी चटनी की भी रेसिपी मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, उसका भी लिंक मैंने दे दिया है। तो फटाफट से मिंट और हरी धनिया की चटनी बन करके तैयार हो जाती है, वो भी आप इसके ऊपर डाल दीजिए और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ सीजनिंग। तो फटाफट से इसके ऊपर अब डाल देते हैं भुना हुआ जीरे का पाउडर। अगर आपके घर जीरा है तो उसे भून करके, कूट करके डालिए, उसका स्वाद और ज़्यादा आता है। तो इसलिए भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर डाल दीजिए आप रेड चिली पाउडर। तो अगर आपको तीखा पसंद है तो थोड़ा रेड चिली पाउडर भी इसके ऊपर छिड़क दीजिए। अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो रेड चिली पाउडर डालने के बाद यहाँ पर आप डाल दीजिए सेव, और सेव डालने के बाद इसके ऊपर से हम गार्निश कर देते हैं लास्ट अनार के कुछ दाने। तो तैयार है यहाँ पर इंस्टेंट दही वड़ा, नॉन फ्राइड,
पार्शियल हेल्दी क्योंकि हमने इसे बनाया है ब्रेड से और ब्रेड बना है मैदे से। तो यहाँ पर हमारा दही वड़ा बनकर के तैयार है, काफ़ी टेस्टी लगती है एक्चुअली और सॉफ्ट है बहुत और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। सो फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए और मुझे बताइए कि आपके घर में इंस्टेंट दही वड़ा को कितनी रेटिंग्स मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हर हफ्ते मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।